सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी हम दो टॉपिक ऑलरेडी इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं फर्स्ट टॉपिक वॉज वर्क डन बाय अन्स्टेंट फोर्स सेकेंड वॉज द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्क डन बाय अरिएबल फोर्स एंड ये पूरा टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करेंगे विद एग्जांपल्स और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है बट यू विल कवर द फुल टॉपिक इन दिस वीडियो इट्सल्फ सो लेट्स गो करते हैं शुरू Uh, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हम वर्क डन कैसे निकालेंगे अगर फोर्स कांस्टेंट है इस केस में फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस ऐसे करके हम लोग जो है वर्क डन निकालते आए हैं बट uh, अगर ये जो फोर्स है अगर ये कांस्टेंट ना हो वेरिएबल हो तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे और आपको मालूम है नेचर में ज़्यादातर फोर्सेज वेरिएबल होती है कॉन्स्टेंट नहीं रहती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो ये अपने पास मान लो स्प्रिंग है आप इधर इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ तो जो ये जो स्प्रिंग फोर्स है होता है के टाइम सिक्स मतलब जैसे जैसे आप मेन पोजीशन से ये जितना आप इसको एक्सपैंड करोगे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और जो ये फोर्स है ये भी चेंज होगी ये कांस्टेंट नहीं रहने वाली है या फिर आप अर्थ सरफेस पे आप खड़े हैं और अर्थ सरफेस से आप जितना दूर जाएंगे तो जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी एक्सलोरेशन टू ग्रेविटी ये कम होती रहती है मतलब ग्रेविटी फोर्स कम होती है अगर आप अर्थ सर्विस से दूर जाते हैं तो इन सब केसेस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे बेसिकली अगर फोर्स एफ चेंज हो रहा है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे चलिए चलिए समझते हैं इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि हम वर्क डन कैसे निकालते हैं तो पहला केस में वही लेके चलता हूं कि फोर्स अगर कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ पे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वर्क को तो कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे एंड लेट दिस बी एफ ओके okay. एंड जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट uh, है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से वो कुछ डिस्प्लेस हो जाता है लेट द फाइनल पोजीशन बी एक्स वन करेक्ट तो ये अपने पास है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ओके तो uh, जो अपने जो वर्डन हमने पढ़ा था दिस इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद दिस डी एंड ये डिस्टेंस बोल दो है डिसमेंट ये कितना है इतना दिस इज द डिस्टेंस अब अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लू ये जो एरिया है दिस एरिया इज वॉट रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाड विथ लेंथ कितना है डी विथ कितना है एफ एफ टाइम्स टी तो ये ये एक्चुअल में क्या है ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज नथिंग बट द वर्क ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है अब अगर मैं फोर्स को वेरिएबल करूं तो ये फोर्स है इधर अपने को हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं अच्छा इनिशियली जो हमने फोर्स लगाई वो इतनी थी लेट दिस बी एफ वन करेक्ट। उसके बाद हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया टू एफ टू सो लेट दिस बी एफ टू दिस इज एफ टू ओके यहां पे एफ वन है एंड जिसके कारण जब ये हमने देखा कि यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट थी वो एक्स वन थी एंड यहां पे जो है वो एक्स टू हो गई so, इस केस में वर्क डन कितना होगा सिंपल द एरिया अंडर द लाइन दिस वन एंड दिस वन तो जो ये वाला जो एरिया होगा दिस विल रिप्रजेंट द टोटल वर्क डन करेक्ट अच्छा तो जो ये वाला जो एरिया होगा ये कितना होगा एफ ओ वन मल्टीप्लाइड विद एक्स वन एंड जो ये एरिया होगा ये कितना होगा एफ टू ये हाइट कितनी है इसकी एफ टू और ये विद ये डिस्टेंस कितना चला है एक्स टू माइनस एक्स वन तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन इस केस में जो डन होगा हमारे पास वो कितना होगा एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन अब अगर फोर्सेस uh, को मैं और ज्यादा वेरी करूं फॉर एग्जांपल ये है अपने पास फोर्स का एक्सेस एंड ये है डिस्प्लेसमेंट का करेक्ट तो इनिशियली हमने केवल इतनी फोर्स लगाई लेट दिस बी एफ वन देन हमने फोर्स को इंक्रीज किया तो लेट दिस बी एफ टू एंड देन हमने फोर्स को किया डिक्रीज एंड लेट दिस बी एफ थ्री मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा एरिया अंडर दिस कर्व दिस वन दिस वन एंड दिस वन तो जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा अगर मैं इस एरिया की बात करूं दिस एरिया वुड बी हाइट कितनी एफ वन और ये विथ में ले लेता हूं यहां पे एक्स वन है यहां पे एक्स टू है और यहां पे एक्स थ्री है तो ये हो जाएगा एफ वन टाइम्स एक्स वन प्लस अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हाइट तो इसकी एफ टू है और ये विथ कितनी है एक्स टू माइनस एक्स वन एंड इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो प्लस एफ थ्री मल्टीप्लाइड विथ ये हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू इतना ही तो डिस्टेंस है यही तो लेंगे हाइट डिस्टेंस सो दिस इज एक्स थ्री माइनस एक्स टू तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर फोर्स वेरी कर रही है तो हम डिस्प्लेसमेंट सॉरी दो वर्क डन है वो कैसे निकाल सकते हैं बट अगर फोर्स कंटिन्यूअसली वेरी कर रही हो मतलब यहाँ तो आप देख रहे हो इंटरवल में वेरी कर रही है मतलब पहले इतनी कॉन्स्टेंट रही उसके बाद इंक्रीज हुई फिर ये कॉन्स्टेंट रही फिर ये ऐसे बट अगर ये कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही हो मतलब ऐसे चेंज कर रही हो या ऐसे डिक्रीज हो रही हो तब हम क्या करते हैं मतलब कि अगर ये वाला केस हो तो ये है अपने पास है फोर्स एंड ये है एक्सेस तो देख रहे हो आप डिस्टेंस के साथ ये कैसे इंक्रीज कर रही है फोर्स इंक्रीजिंग 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 इस केस में हम लोग क्या करते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर... हमें तो पता है एरिया ये होगा टोटली जो वर्कडन होगा वो दिस वुड बी इक्वल्स टू दिस एरिया बट अब ये एरिया निकाले कैसे ये कर्व में हो रहा है तो कैसे एरिया निकालेंगे हम क्या करते हैं ये स्मॉल स्मॉल बॉक्स बना लेते हैं ऐसे तो ये हमने ये ऐसे बॉक्सेस बना दिए ऐसे एंड जो ये एरिया होगा तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं ये जितना एरिया होगा उतना ही अपने पास वर्क डन होगा अब इसको और अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट बनाना हमने बोलना है कि नहीं अप्रोक्सीमेट नहीं बताना मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो यहां पर जाके जन्म होता है इंटीग्रेशन का अब हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट तो हम बता सकते हैं कि यार ये एरिया इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लो रेक्टेंगल्स बना लो और इसको अप्रॉक्सीमेट कर दो बट अगर हमें एग्जैक्ट बताना है तो हम यूज करेंगे किसका इंटीग्रेशन का तो अपन क्या करते हैं इसको स्मॉल uh, के विंगल से लेते हैं ये हमने का ले लिया और हाइट तो है ये पे हाइट कितनी F. तो डन हो जाएगा एफ मल्टीप्लाइड विद डी तो ये तो वर्क डन तो केवल इतने का हुआ केवल इतना डन हुआ इतना एरिया तो निकाले अभी तक हमने एफ मल्टीप्लाइड विद डीएक्स अगर ये टोटल एरिया निकालना हो तो कैसे मतलब ये पूरा एरिया निकालना है बेसिकली तो कैसे निकालोगे इस पूरे जितना ये जो अपने पास जो रेक्टैंगल है ये इस पूरे को हम कर देंगे इंटीग्रेट और जो ये डी एक्स है ये इंक्रीज कहाँ से कर रहा है लेट दिस बी एक्स वन टू एक्स टू तो एक्स वन से एक्स टू ऐसे निकालते हैं अगर फोर्स uh, जो है वेरी कर रही हो कंटिन्यूसली तो यहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं अदरवाइज तो नॉर्मल है जो हम uh, ऐसे निकाल ही सकते हैं सभी का एरिया निकाल दो एंड सबको ऐड कर दो वर्क आ जाएगा बेसिकली मैं कंक्लूड कर देता हूं कि द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजिशन एक्स वन टू अनदर पोजिशन एक्स टू इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया बिटवीन द फोर्स कर्व एंड द एक्स एक्सेस तो चलिए अब निकालते हैं कि वर्क फॉर स्प्रिंग फोर्स ये कैसे निकालेंगे तो यहां पे हमने ली स्प्रिंग एंड ये पोजीशन है व्हेन द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड और एक्सपैंडेड तो मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहां पे यहां से हम इसको एक्सपैंड करना चालू करते हैं इन दिस डायरेक्शन ओके तो जो अप्लाइड फोर्स होगी वो क्या होगी के टाइम्स एक्स अब अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगी ये क्या होगा माइनस के टाइम्स एक्स करेक्ट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रही तो इस negative, लेकिन जो है के भी के समझ सकते okay, तो केस में जब हम इस फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में तब वर्क डन कितना किया हमने स्प्रिंग के ऊपर वो हमें निकालना है तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ uh, करूं फॉर द अप्लाइड फोर्स एंड द पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग सपोज हमने यहां से यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन थी x इक्वल्स टू जीरो यहां से हमने फोर्स uh, लगाना चालू किया अब देखो फोर्स जो है वो k टाइम्स एक्स है मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जाएगी एंड ये लीनियर इंक्रीज होगा यहां पे, लाइक दिस एंड ये फोर्स क्या होगा k टाइम्स एक्स करेक्ट अब हमें निकालना है इसका वर्कडन तो वर्कडन पता है पता है कि एरिया अंडर दिस लाइन होगा मतलब ये होगा वर्कडन अगर हम ये एरिया निकाल ले जावे तो अपन बता देंगे वर्क डन कितना करेक्ट लेट दिस बी डिस्प्लेसमेंट भी एक्स यहां पे इसकी पोजीशन है तो ये 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 है हमारे पास फाइनल पोजीशन जो पहुंची है एक्स तो वर्क डन क्या होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट तो यहां पे बेस कितना है ये इतना एक्स चला है ये ये बेस है और हाइट कितना है हाइट है के टाइम्स एक्स सही तो है हाइट दिस इज वॉट के टाइम्स एक्स यहां पे। तो के टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा अब अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे होते तब भी वही आता डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर तो आप स्प्रिंग uh, को स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो वर्क डन इज हाफ के द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो चलिए एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें uh, दे रखा है लेट इट बी 230 थर्टी न्यूटन पर मीटर एंड इस पे हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं एफ अच्छा जिसके कारण ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाती है फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब हमें ये बताना है कि हमने कितना वर्क इसके ऊपर किया तो वर्क अभी हम पढ़ के आए दिस इज हाफ के एक्स इन केस ऑफ स्प्रिंग सो वन ओवर टू के हमें पता ये 230 newton per meter है टू थर्टी न्यूटन पर मीटर है एक्स इज दिस इज एक्स जितना स्ट्रेच हुआ सो दिस इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नौ सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में तो वो डिवाइडेड विद हंड्रेड So, इतना मीटर इसका कर दो स्क्वायर अब जॉब वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी जीरो पॉइंट जीरो सेवन टू एंड वुड बीन जूल्स एक डेटा एक और देखते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट के अगर ये ट्वेंटी वन थाउजेंड हो जाए न्यूटन पर मीटर एंड इस पर अगर हम वर्क डन करें कितना वर्क करें 3.5 पॉइंट जूल्स अगर हम इतना वर्क इसको करें कंप्रेस करने में इस पहले हमने एक्सपैंड किया था अब हम कर रहे हैं इसको कंप्रेस और कितना वर्क किया हमने इतना और हमें ये बताना है कि ये कितना कंप्रेस हुआ होगा तो कंप्रेस कितना हुआ होगा तो वर्क हमें पता है वन ओवर टू के एक्स स्क्वेयर होता है भले वो कंप्रेस करे या एक्सपैंड करें दिस वुड रिमेन द सेम यहाँ से जो एक्स का एक्सप्रेशन आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू डब्ल्यू डिवाइड बाई के अब कुछ नहीं यार वैल्यू पुट कर देते एक्स विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू टाइम्स डब्ल्यू तो हमें दे रखा है थ्री पॉइंट फाइव जूल्स डिवाइड बाय दिस इज के इज ट्वेंटी वन थाउजेंड दैट वुड बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो वन एट मीटर अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो दैट वुड बी वन पॉइंट एट सेंटीमीटर तो इतना कंप्रेस हुआ होगा अगर हम इतना वर्क करते हैं देखिए जो अभी हमने पढ़ा था ना कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग दिस इज वन ओवर टू के एक्स स्क्वेर जो हमें वर्क करना पड़ रहा है स्प्रिंग पे स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए वो इतना होता है या जो अप्लाइड फोर्स जो हम स्प्रिंग पे करते हैं दिस इज के टाइम्स एक्स ये केवल स्प्रिंग्स के लिए वैलिड नहीं है ये किसी भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के लिए अप्लीकेबल है एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम नैरो टेक्नोलॉजी तो समझते हैं इसको जैसे अपने पास कोई भी मटेरियल है एंड इसकी हमें सरफेस uh, रफनेस पता करनी है इसकी रफनेस कितनी है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता करनी है या इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता करनी है तो ये सब हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी इसका यूज करके ए इसका यूज करके कर सकते हैं तो ये ए होता क्या है बेसिकली एक कैंटलीवर होता है तो ये जैसे यहाँ पे सिलिकन रोड होती है जैसे आपको दिख भी रहा है एक एंड जो है वो डाइविंग बोर्ड से कनेक्ट होता है और जो दूसरा एंड है इस रोड का दिस इज कनेक्टेड टू दिस शार्प नीडल जैसे आपको यहाँ दिख रहे हो अच्छा अब हम क्या करते हैं इस वीडियो में आपको देख, देख पा रहे होंगे कि इस नीडल को हम मूव करवाते हैं आगे पीछे टॉप फ्रंट ऐसे जिसके कारण डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस होती है ये जो uh, अपने पास नीडल है ये ऊपर नीचे मूव करती है जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा एंड इस डिफ्लेक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस लेजर बीम, इन एज एज एन एटॉमिक लेवल पिक्चर जैसे आपको यहां दिख रहा है ये जो इमेज है ये हमने इसी इसी मेथड का यूज करते हुए निकाली है एंड दिस इज द ह्यूमन क्रोमोजोम एंड यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये सिलिकन रोड है इट इज बिहेविंग लाइक अ स्प्रिंग इट इज बिहेविंग लाइक अ स्प्रिंग एंड जितने भी हमने इक्वेश पढ़ी है ये सब कुछ यहाँ पे वैलिड है तो ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि ये केवल स्प्रिंग्स के लिए नहीं है ये काफी और जगह भी अपलिकेबल होता है इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं देन विल मूव टू अदर टॉपिक सो ये है एंड यहां पे हमें कह रहे हैं कि द वर्क रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट अ टिपिकल ए एफ एम कैंटिलीवर बाय पॉइंट वन नैनोमीटर इज वन पॉइंट टू टाइम टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी जूल्स

x इक्वल्स टू 1.10 पॉइंट नैनोमीटर तो अब हमें बताना इस k की वैल्यू कितनी होगी तो सिंपल है जो हमने यूज uh, की थी फोर पे यूज कर सकते हैं तो uh, हमें पता है जो वर्क होता है दिस इज इक्वल्स टू वन ओवर टू के एक्स स्क्तना वर्क हमें करना पड़ता है तो यहां से अगर मैं के का एक्सप्रेशन निकालू के वुड बी इक्वल्स टू टू डब्ल्यू डिवाइड बाय एक्स स्क् सो टू टाइम्स डब्ल्यू वर्क हमें कितना करना पड़ रहा है इतना 1.2 पॉइंट टू टाइम्स टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी जूल्स इतना करना पड़ रहा है डिवाइड बाई एक्स कितना हुआ है पॉइंट वन अच्छा पॉइंट वन में कितने मीटर्स होते हैं टेन टू द पावर माइनस नाइन इतने मीटर्स होते हैं सो so, इसको कर दो स्क्वायर यहाँ से जो के के वाली निकल के आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू टू पॉइंट फोर न्यूटन पर मीटर जनरली इतनी आती है 1, 2, के आसपास रहती है के की वैल्यू तो अपनी जो वैल्यू आई वो सही आई है अच्छा सेकेंड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड जो पार्ट है इसका कह रहे कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर फ्रॉम पॉइंट वन नैनोमीटर टू पॉइंट टू नैनोमीटर अब मैं चाहूंगा कि ये बी पार्ट आप पहले खुद से करें आई होप आपने ट्राई किया होगा क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे आप ज्यादातर यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं और डायरेक्टली वर्क का लिख देते हैं एक्सप्रेशन वन ओवर टू के एक्स स्क्वायर जो कि ठीक है बट एक्स की वैल्यू ये ले लेते हैं पॉइंट वन नैनोमीटर मतलब एक्स ले लेंगे ले कि, कि पॉइंट वन से पॉइंट टू गया है तो यहां पर लिख देंगे पॉइंट वन एंड देन स्क्वायर करके आंसर निकाल देंगे यूनिट्स कन्वर्ट करके बट वो हो जाएगा गलत अब देखो सही क्या तरीका क्या होगा देखो अगर मैं इसको इस पर रिप्रेजेंट करवाऊँ फोर्स वर्सेस पोजीशन कर्व पे यहां पे मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स तो जो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स देखूं तो ये लीनियर होता है लाइक दिस इंक्रीज करती है लाइक दिस करेक्ट एंड यहां पे लेट दिस पोजिशन बी एक्स वन जो कि हमें दे रखी है पॉइंट वन एंड लेट दिस बी एक्स टू एक्स टू हमें दे रखा है पॉइंट टू ठीक है तो यहां पे जो होगा फोर्स वो कितना होगा के एक्स वन हो जाएगी और यहां पे जो है वो के एक्स टू हो जाएगी अच्छा तो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा तो इंक्रीज तो टू इंक्रीज रिफ्लेक्शन तो फ्रॉम पॉइंट वन नैनोमीटर टू पॉइंट टू देखो तो पॉइंट वन से पॉइंट टू ये है पॉइंट वन और ये है पॉइंट टू नैनोमीटर ऐसे जा रहे हैं तो ये होगा ना एरिया इतना एरिया और ये ट्राइंगल नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले से यूज करके निकाल दोगे तो इसका तरीका ये होता है जब ऐसे क्वेश्चन आए एक काम कर सकते हैं कि हम पहले ये टोटल एरिया निकाल लें मतलब यहां से लेके यहां तक ये टोटल एरिया निकाल लें ये वाला एंड देन इस पूरे को सब्ट्रैक कर दें इससे तो अपने पास ये निकल जाएगा तो मतलब जो रिक्वायर्ड वर्क होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू पहले जीरो से लेके टू नैनोमीटर तक कितना हमने वर्क किया माइनस जीरो से लेके वन नैनोमीटर तक हमने कितना वर्क किया ये अच्छा जीरो से टू मतलब ये तो पूरा ट्राइंगल ही हो गया सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर यूज कर सकते हैं बोल दो यार तो वन ओवर टू के इस केस में जो एक्स लेंगे वो कितना होगा जीरो से टू ले रहे हैं ना तो पॉइंट टू नैनोमीटर लेंगे ये चीज ध्यान रखना है तो मैं लिख देता हूं पॉइंट टू नैनोमीटर एंड इसका स्क्वायर देन माइनस वन ओवर टू के जीरो से मतलब यहां से लेके यहां तक तो ये पॉइंट वन नैनोमीटर है तो पॉइंट वन नैनो और इसका स्क्वायर तो आज जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास ये एरिया निकल के आ जाएगा कि हमने पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक कितनी हमें वर्क करना पड़ेगा वो आप निकाल सकते हैं ईजीली या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे इस एरिया को हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे मतलब मैं इसको अगर मैं रफ कर दूँ इस पूरे को तो अपन कुछ कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे कि इसको आप दो पार्ट में बांट लो ऐसे तो एक बार इसका एरिया निकाल दो एक बार इसका एरिया निकाल दो ये भी कर सकते हैं तो जैसे आपका इच्छा हो वैसे कर सकते हैं अब कुछ नहीं है के की वैल्यू हमें पता ही है अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन ओवर टू के मैं कॉमन ले लेता हूँ और हाफ भी कॉमन ले, ले लेता हूँ तो के हमें कितना दे रखा था क्वेश्चन में दिस वॉज इक्ल्स टू हमने निकाल ही लिया था टू पॉइंट फोर न्यूटन पर मीटर सो दिस इज़ टू पॉइंट फोर न्यूटन पर मीटर एंड यहाँ पे इसको कॉमन कन्वर्ट कर देंगे यूनिट्स 10 to the power minus 9 मीटर एंड इट्स होल स्कन माइनस यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो w की वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी 3.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ट्वेंटी जूल्स तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा जब आप 0.1 से 0.2 नैनोमीटर तक आपका एक्सपैंड आप, आप हो रहा है देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है बट यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जब आप जीरो से पॉइंट वन नैनोमीटर तक यहां तक जब आप एक्सपैंड हो रहा है अपना केंटिलेवर तो कितना वर्क हमें करना पड़ रहा है वन पॉइंट टू यही तो है कि अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं पॉइंट वन नैनोमीटर से तो इतना वर्क हो रहा है बट अगर आप यह देखें कि पॉइंट वन से पॉइंट टू तक हमें कितना वर्क करना पड़ा 3.6 टाइम्स 10 to the power minus -20 जूल मतलब इट इज दिस इज 1.2 एंड दिस इज 3.6 तो करीब 3 टाइम्स एग्जैक्टली so, 3 टाइम्स exactly आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा 0.1 से 0.2 नैनोमीटर तक जाने के लिए अगर आप डिफरेंस देखो इनिशियल दिस इज आल्सो 0.1 नैनोमीटर ये भी 0.1 नैनोमीटर का डिफरेंस है इतना ही आपने एक्सपेंड हुआ है बट सेकंड वाला जो पॉइंट वन नैनोमीटर इंक्रीज करने के लिए आपको करीब थ्री टाइम्स वर्क करना पड़ा यह चीज गौर करने वाली बात और यह क्यों करना पड़ा क्योंकि अगर आप एवरेज फोर्स की देखो एवरेज फोर्स अगर इस रेंज में देखो तो दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट का अगर इस रेंज में अगर आप एवरेज फोर्स देखोगे तो यही तो आएगी इसका मिडिल पॉइंट और इस केस में देखोगे एवरेज फोर्स तो वो यहां आ रही है इसलिए आपको ज्यादा uh, वर्क करना पड़ रहा है सेकंड केस में बजाय फर्स्ट केस में चलिए अब एक एवरेज फोर्स का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर वर्क डन हमें निकालना है तो हम एवरेज फोर्स से भी निकाल सकते हैं तो वो कैसे निकालते हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं सो so, वर्क हम एवरेज फोर्स से भी निकाल सकते हैं अगर हमें एवरेज फोर्स मालूम हो तो वर्क विल बी इक्वल्स टू द एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डी दट इस समझा कोशिश करते हैं उसको इस ग्राफ से तो आ, हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स के टाइम्स सेक्स होती है और इसका जो ग्राफ अगर मैं देखूँ फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ सो ये कुछ ऐसे होता है राइट एंड सपोज कि आपने यहाँ पे जो डिस्प्लेस हुई है या जो स्प्रिंग जो एक्सपैंड हुई है लेट दिस बी एक्स तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी के टाइम्स एक्स करेक्ट एंड जो ये टोटल एरिया जो होता है ये हमें बताता है वर्क डन कितना हुआ है अच्छा तो वर्क डन यहाँ से हम क्या निकल के हमने पढ़ के आए डब्ल्यूल्स टू हाफ के एक्स वर्क डन हम कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं तो वो कैसे निकालेंगे देखो अगर मैं एवरेज फोर्स देखूं यहां पे फोर्स कितनी है जीरो है और यहां पे लास्ट तक जाते जाते फोर्स हो गए के टाइम्स एक्स तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी हाफ के एक्स एवरेज अगर मैं इनका लू तो कुछ यहां पे आएगा बोल दो यार यही तो हो गया एवरेज फोर्स तो यहां पे जो एवरेज फोर्स होगी दिस वुड बी हाफ के एक्स होगी एवरेज फोर्स तो अगर मैं इसको यहां प्लग करूं तो W इक्वल्स टू एवरेज फोर्स वी है, जो जो ये है ये कितना है एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स तो एक और ये चीज वही है तो मतलब कि मैं एवरेज फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी वर्क निकाल सकता हूं केवल मैं यहां पे इतना ही बताना चाह रहा था अच्छा एक चीज और कि जो वर्क डन बाय अस होता है दिस इज बाय अस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वन ओवर टू के एक्सक्र क्योंकि जो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है और जो uh, जो स्प्रिंग जो एक्सपैंड या कंप्रेस जो हो रहा है वो डायरेक्शन सेम ही रहती है इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव आता है बट अगर मैं डन बाय स्प्रिंग फोर्स देखूं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टो तो इसको समझते हैं कि वर्डन बाय स्प्रिंग ये कब होता है और कब होता है। तो चलिए समझते हैं ये, है, ये, ये, है ये वाली ये स्प्रिंग की मेन पोजीशन है इस पोजीशन पे स्प्रिंग ना ही कंप्रेस्ड है ना ही एक्सपेंडेड है अब जैसे ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था यहां पे टच हुआ तो ये स्प्रिंग को करेगा कॉम्प्रेस

ये चीज मैं कहां से लिख पा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि दिस वर्क वुड बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो क्योंकि इस पॉइंट पे ब्लॉक की स्पीड है जीरो तो ये जीरो माइनस जो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है वन ओवर टू एम वी नॉट स्क्वेर और वर्क केस में कौन सा कर रहा है ये कर रही है जो कि यह माइनस के एक्स स्क् माइनस वन ओवर टू के एक्स करेक्ट तो ये नेगेटिव तो हम लिख सकते हैं कि वन ओवर टू के एक्स स्क्स इक्वल टू वन ओवर टू एम वी नॉट स्क्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है चैप्टर में इस रिजल्ट को मैं फिर से डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसी को बेसिकली हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बट अभी जस्ट एक, एक थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया बट चैप्टर एट में डिटेल में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है अच्छा अब इमेजिन कीजिए इस पॉइंट के बाद क्या होगा जितना मैक्सिमम स्प्रिंग जो कंप्रेस होना था हो गया स्पीड जो इसकी जीरो होनी थी हो गई इसके बाद क्या होगा स्प्रिंग अब जो कंप्रेस हुई थी स्प्रिंग चाहेगी ना वापस वो मेन पोजीशन पे आ जाए स्प्रिंग तो यही चाहेगी कि वापस मेन पोजीशन पे आए तो उसके लिए क्या करेगी स्प्रिंग इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी लाइक like दिस ये तीनों चीज हम यहां से समझ सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ये वही था अब ये स्पीड से और ये वापस में वही मीन पोजिशन पे आ गया है। अच्छा इस ब्लॉक जो जो की वो भी इसी डायरेक्शन में, है, इसी में है। इस केस में जो थीटा होगा बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जीरो डिग्री तो इस केस में जो वर्क जो स्प्रिंग कर रही है दैट वुड बी वन ओवर टू के तो स्प्रिंग जो वर्क करती इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो इट कैन बी नेगेटिव इस केस में नेगेटिव आ रहा था क्योंकि थीटा जो था 180 एटी डिग्रीज था और इस केस में जो है इट विल बी पॉजिटिव करेक्ट एंड यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि द वर्क डन बाय द स्प्रिंग दैट वुड बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम तो दिस इज हाफ के एक्स एंड दैट वुड भी देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये था इनिशियल इस इस केस में इनिशियल तो हो जाएगा जीरो और फाइनल कितना हो जाएगा ये वन ओवर टू यहां पे स्पीड कितनी होगी वापस वही वी uh, नॉट होगी तो वन ओवर टू एम वी नॉट स्क्वेर तो फाइनल इक्वेशन वही आई है एंड एक चीज और इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करा है देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस नो फ्रिक्शन अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सो so, यहां पे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास है 1.5 पॉइंट एंड इसकी इनिशियल स्पीड है 2.2 मीटर पर सेकेंड एंड इट स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ब्लॉक कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्प्रिंग जैसे आप यहां पे देख रहे हो दिस दिसम पोजिशन द स्प्रिंग एंड ये इसको कंप्रेस करता है लेट की यहां तक कंप्रेस कर पाता है एंड इस पॉइंट पे आके ये जो इसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाती है एंड जितना ये कंप्रेस हुआ लेट दिस बी एक्स एंड जो के की वैल्यू हमें दे रखी है दिस इज फोर सेवेंटी फाइव न्यूटन पर मीटर हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन देखो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तो वही हमने देखा है इस पॉइंट पे स्पीड ज़ीरो हो रही है तो इतना ही मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा तो यही हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द ब्लॉक इस केस में वर्क कौन कर रहा है स्प्रिंग कर रही है एंड स्प्रिंग uh, क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्प्रिंग की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ है तो नेगेटिव होगा तो माइनस की एक स्क्वायर हो जाएगा इतना वर्क किया स्प्रिंग ने इस ब्लॉक के ऊपर जो कि होगा इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक तो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर तो जीरो हो गई है दिस इज जीरो इनिशियल क्या होगी वन ओवर टू एम वी नॉट स्क्वायर तो यहाँ से जो एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस वुड बी एम वी नॉट का स्क्वेयर डिवाइड बाई के और इसका कर दो अंडर उठ कुछ नहीं है वैल्यूज स्पुट कर दो अपन आंसर निकाल ले जाएंगे तो मास हमें दे रखा है वन पॉइंट फाइव के जी एंड जो वी नॉट है दिस इज 2.2 एंड इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय k की जो वैल्यू है वो न्यूटन पर मीटर एंड इसका रूट तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा दैट वुड बी 0.12 मीटर देखो जो मैक्सिमम जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी दैट वुड बी अगर सेंटीमीटर में लिखो तो दैट वुड बी 12 सेंटीमीटर तो ये था सॉल्यूशन इस एग्जांपल का एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे हमने पूरा टॉपिक जो है वर्क डॉन बाय द वेरिएबल फोर्स ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है एंड लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का दैट इज़ पावर तो नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए गुड बाय